बच्चों बहुत स्वागत है आपका केमिस्ट्री क्लास में। मैं हूं आपका केमिस्ट्री टीचर सुनील यादव। हाँ बच्चों, जैसा कि आपने देखा था हमने अपनी पिछली क्लासेस में, ठीक है, परमाणु संरचना अध्याय चालू किया था। और बच्चों इस अध्याय में मैंने आपको परमाणु की संरचना के संदर्भ में बताते हुए, ठीक है, आपको अब्बाऊ के नियम, ऑर्बिटल्स, ये काफी चीजें बताया। और हमने प्रैक्टिस की कि किसी भी तत्व का अगर हमको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाना है तो हम किस तरह से बनाएंगे, ठीक है। और आप लोगों ने प्रैक्टिस की होगी, ठीक है, तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को बनाने की। बच्चों जब आवश्यकता होगी तो मैं पुनः एक बार उस टॉपिक के साथ आपके लिए कुछ इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाने के लिए लूंगा, लेकिन फिलहाल मैं टॉपिक को आगे बढ़ा रहा हूँ। और अभी हमारा जो आज का टॉपिक है बच्चों, वो है हुंड का नियम। बच्चों बहुत संक्षिप्त में कुछ चीजें आपके सामने रख रहा हूँ, जैसे कि मैंने आपको अब्बाऊ का नियम बताया था, ठीक है, और अब्बाऊ का नियम हमने पूरा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास उसकी उपयोगिता के आधार पर समझा कि अब्बाऊ का नियम हमने क्यों पढ़ा, ताकि हमको किसी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाना हो तो हम सरलता से बना सकते हो, ठीक। हुंड का नियम हम लेकर चलेंगे और समझेंगे बच्चों कि हुंड का नियम क्या होता है। तो सीधा पहले स्टेटमेंट आपके सामने रखता हूं और उसके बाद एग्जाम्पल्स लेते हैं बच्चों। तो समझिएगा हुंड का नियम क्या है। तत्व के परमाणु ऑर्बिटल के कक्षक में इलेक्ट्रॉन जोड़ा या युग्म जोड़ा या युग्म नहीं बनाते हैं जब तक कि प्रत्येक कक्षक में एक एक इलेक्ट्रॉन प्रवेश ना कर जावे। बच्चों स्टेटमेंट, ठीक है, डेफिनेशन जो है वो आपके सामने मैंने रखी है। डेफिनेशन क्या कह रही है बच्चों? डेफिनेशन कह रही है हुंड के नियम के अनुसार तत्व के परमाणु ऑर्बिटल के कक्षक में, ठीक है, इलेक्ट्रॉन जोड़ा या युग्म तब तक नहीं बनाते जब तक कि प्रत्येक कक्षक में एक एक इलेक्ट्रॉन प्रवेश ना कर जाए, ठीक है। डेफिनेशन को हम उदाहरण लेकर समझने की कोशिश करेंगे बच्चों, तो बहुत अच्छे से ध्यान दीजिए। एक पहला उदाहरण आपके सामने रख रहा हूं बच्चों। मैंने पहला जो एग्जाम्पल लिया, सपोज अगर मैं आपसे बोलूं मैंने बोरॉन 5 का लिया, यानी बोरॉन उसका परमाणु क्रमांक 5 है, इसका मैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपके सामने रखता हूं, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कुछ इस तरह से बनेगा 1s2, 2s2 और 2p1, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हमने बनाना सीखा था अब्बाऊ के नियम में, इसीलिए आपको वो चीज मैंने पहले सिखाई, ठीक है बच्चों। ये मैंने आपके सामने रखा बोरॉन 5 का 1s2, 2s2, 2p1। बच्चों जब हम इनके लिए कक्षक बनाएंगे तो आप देख सकते हैं एस ऑर्बिटल मैंने आपको बताया था इसके लिए केवल एक कक्षक बनेगा, फिर एक 2s है तो इसके लिए भी एक कक्षक बनेगा, ठीक है। पी ऑर्बिटल है तो इसके लिए 3 कक्षक बनेंगे। बच्चों यहां पर आप देख रहे हैं कि जो 1s ऑर्बिटल है, ठीक है, चूंकि इसकी ऊर्जा सबसे कम है तो पहले इसमें एक इलेक्ट्रॉन आएगा, अब चूंकि एक ही कक्षक है तो दूसरा इलेक्ट्रॉन इसमें प्रवेश कर जाएगा। इसी तरह से जब आप 2s को लेंगे तो इसके लिए भी केवल एक कक्षक है, इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन आएगा और दूसरा इलेक्ट्रॉन प्रवेश कर जाएगा।
इंटरेस्टिंग है कि जब हम तीसरे वाले के पास पहुंचेंगे, ठीक है, हम 2p1 के पास जब पहुंचेंगे तो हम देखेंगे यहां पर केवल फिलहाल में एक इलेक्ट्रॉन है, लेकिन उसके पास कक्षक कितने हैं बच्चों? 3 कक्षक हैं। तो आपको याद रखना बेटा कि ये जो 2p कक्षक है ना, और उसके पास जो 3 कक्षक हैं, तो यहां पर प्रत्येक कक्षक की जो ऊर्जाएं हैं, ठीक है, वो ऊर्जाएं आपस में लगभग कैसी हैं बच्चों? बराबर है, यानी ये समान ऊर्जा के कक्षक हैं। तो अब हमारी समस्या है कि इसके पास इलेक्ट्रॉन तो केवल एक ही है, तो पहले कक्षक में एक इलेक्ट्रॉन प्रवेश कर जाएगा, अब कोई दूसरा इलेक्ट्रॉन तो अभी है नहीं, ठीक है ना। तो इसलिए हमारी बात अभी डेफिनेशन को पूरी क्लियर नहीं कर पाएगी। तो इसीलिए बच्चों अगला एग्जाम्पल जब लूंगा तो महत्वपूर्ण बात हो जाएगी। एग्जाम्पल पे ध्यान दीजिए, एग्जाम्पल नंबर 2 बच्चों, मैं ले लेता हूं कार्बन 6 को। कार्बन 6 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा 1s2, 2s2 और 2p2। तो बच्चों इन दो की फिलिंग्स बिल्कुल ऊपर वाले की जैसे होगी, वो आप समझ जाएंगे। मैं 2p2 के लिए बता देता हूं। तो बच्चों यहां पर आप देख रहे हो हमारे पास कितने कक्षक हैं? 3 कक्षक हैं। इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है बच्चों? इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 है। तो पहले एक कक्षक में एक इलेक्ट्रॉन जाएगा, फिर जो दूसरा इलेक्ट्रॉन है वो दूसरे वाले कक्षक में जाएगा, ठीक है। हमारी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हमने कहा था कि तत्व के परमाणु ऑर्बिटल के कक्षक में इलेक्ट्रॉन जोड़ा या युग्म तब तक नहीं बनाते जब तक कि प्रत्येक कक्ष में एक एक इलेक्ट्रॉन प्रवेश न कर जाए। तो ये इलेक्ट्रॉन अभी जंप करके अगले खाली वाले कक्ष में गया, ठीक है। इसी तरह से आप तीसरे एग्जाम्पल को देखेंगे तो बात और अच्छे से क्लियर होगी। मैं नाइट्रोजन 7 ले लेता हूं बच्चों। नाइट्रोजन 7 का कॉन्फिग्रेशन हो जाएगा 1s2, 2s2 और 2p3। बच्चों फर्स्ट के 1s और 2s का जो कॉन्फिग्रेशन होगा वे बिल्कुल ऊपर के जैसा होगा, ठीक है। जबकि 2p3 को समझने के लिए ध्यान दीजिए, यहां पर फिर से इसके 3 कक्षक है मैंने ले लिए। अब यहां पर कितने इलेक्ट्रॉन है बच्चों? 3 इलेक्ट्रॉन है। तो हमारे नियम के अनुसार पहले प्रत्येक कक्षक में क्या होगा बच्चों? एक एक इलेक्ट्रॉन। अब हमारे तीनों कक्षक क्या हो गए? भर गए। तो बच्चों होना क्या है, जैसे हमारे तीनों कक्षक भर गए तो अगर कोई अगला इलेक्ट्रॉन हमको मिलेगा तो अगला इलेक्ट्रॉन कहां जाना चाहिए? तो बच्चों जो अगला इलेक्ट्रॉन है वो युग्मित होना चाहिए। कैसे होगा वो आपको 4th और 5th 6th एग्जाम्पल में मेरी बात समझ में आ जाएगी। चलिए ध्यान दीजिए। तो बच्चों अभी नाइट्रोजन तक हमने विन्यास देखा, उसके बाद आ जा रहा है ऑक्सीजन 8। कॉन्फिग्रेशन हो जाएगा इसका 1s2, 2s2 और 2p4। बच्चों 1s और 2s का जो कॉन्फिग्रेशन होगा वो पूर्व अनुसार चला जाएगा, ठीक है। जबकि 2p4 के लिए मैं आपके सामने विन्यास रख रहा हूं, पी ऑर्बिटल के लिए 3 कक्षक होंगे इस तरह से, ठीक। अब यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन है तो पहले क्या होगा, प्रत्येक कक्षक में ना समान ऊर्जा के हैं तो प्रत्येक कक्षक में एक एक इलेक्ट्रॉन प्रवेश कर जाएगा। चूंकि अभी एक इलेक्ट्रॉन शेष बचा तो वो इलेक्ट्रॉन अब क्या होगा बेटे, इसके साथ युग्मित हो जाएगा इस तरह से, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए फ्लोरीन 9 का, ये हो जाएगा 1s2, 2s2 और 2p5। बच्चों 1s और 2s का कॉन्फ़िगरेशन पूर्व अनुसार जाएगा, जबकि 2p5 के लिए पुनः मैं 3 कक्षक आपके सामने ड्रॉ कर रहा हूं, ठीक है, इस तरह से। बच्चों नियम के अनुसार इन 3 ऑर्बिटल की ऊर्जाएं, कक्षक की ऊर्जाएं समान है, प्रत्येक में पहले एक एक इलेक्ट्रॉन प्रवेश कर जाएगा। अभी भी 2 इलेक्ट्रॉन शेष बचे तो अगला इलेक्ट्रॉन इसके साथ युग्मित होगा, जो एक बचा वो अगले वाले के पास युग्मित हो जाएगा। नियोन एक अंतिम एग्जाम्पल है मेरा, नियोन नंबर 10। कॉन्फिग्रेशन हो जाएगा बच्चों 1s2, 2s2 और 2p6। तो बच्चों 1s और 2s का कॉन्फ़िगरेशन पूर्व अनुसार चला जाएगा, ठीक है, जबकि 2p6 के लिए पुनः हमारे पास 3 कक्षक बनेंगे, ठीक है बच्चों, इस तरह से। क्योंकि अब इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है तो क्या होगा, वही पहले तीनों में एक एक इलेक्ट्रॉन प्रवेश कर जाएगा इस तरह से, उसके बाद इलेक्ट्रॉन युग्मित हो जाएंगे, ठीक है। तो बच्चों आपको बहुत अच्छे से अपने दिमाग में ये बात बिठा के रखनी है कि हुंड के नियम के अनुसार किसी भी तत्व के परमाणु ऑर्बिटल के कक्षक में इलेक्ट्रॉन जोड़ा या युग्म तब तक नहीं बनाते जब तक समान ऊर्जा के प्रत्येक कक्ष में एक एक इलेक्ट्रॉन प्रवेश ना कर जाए। जब सभी में एक एक इलेक्ट्रॉन चला जाएगा उसके बाद वो युग्मित हो जाते हैं, ठीक है। मेरी बात आपको समझ में आई?
ये बच्चों हुंड का नियम था, ठीक है, इसकी भी बहुत उपयोगिता है, कहां पे यूटिलाइज होगा ये आपको कुछ टॉपिक्स में चलने के बाद समझ में आएंगी मेरी बातें, ठीक है। अभी ये चीज समझ में आई बच्चों, इस टॉपिक को मैं और आगे अभी आपके साथ कंटिन्यू कर रहा हूं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छे से टॉपिक चेंज हो रहा है बच्चों। जैसे कि आपने देखा, हमने हुंड का नियम भी देख लिया, ठीक है, अबाउ के नियम को हमने पहले देख लिया था, ऑर्बिटल्स के बारे में हम बार बार बात कर रहे हैं बच्चों। मैंने आपको चार तरह के ऑर्बिटल्स बताए थे, ठीक है, कौन कौन से ऑर्बिटल्स बताए थे मैं एक बार आपके साथ रिकॉल कर लेता हूँ, और बच्चों ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। मैंने आपको सबसे पहले एक एस ऑर्बिटल बताया था बच्चों, मैंने आपको पी ऑर्बिटल बताया था, मैंने आपको डी ऑर्बिटल बताया था, और एक महत्वपूर्ण मैंने आपको एफ ऑर्बिटल बताया था, ठीक है, एस पी डी एफ। हमारे पास ये बच्चों चार ऑर्बिटल होते हैं बच्चों, याद रखिएगा, मैंने आपको एस का पूरा नाम फुल फॉर्म बताया था, शार्प, ठीक है, यहाँ पे शार्प में शार्प का जो पहला लेटर है एस, इसीलिए हमने इसको एस ऑर्बिटल बोला है। इसी तरह से बच्चों पी का मैंने आपको बताया था प्रिंसिपल, ठीक है, और इसका पहला लेटर हमने लिया था पी। डी के लिए मैंने आपको बताया था बच्चों डिफ्यूज्ड, ठीक है, और इसका पहला लेटर हमने लिया था स्मॉल डी, और एफ के लिए मैंने आपको बताया था फंडामेंटल, ठीक है, और इसका पहला लेटर हमने लिया था एफ। तो इस तरह से हमको ये चार ऑर्बिटल मिले थे एसपीडी। महत्वपूर्ण चीज है, मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं ऑर्बिटल की संरचना बच्चों। सबसे पहले मैं आपके सामने एस ऑर्बिटल की संरचना रख रहा हूं, ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। एस ऑर्बिटल की संरचना बच्चों, जो एस ऑर्बिटल होता है, ठीक है, ये गोलाकार सममिति का होता है, इस तरह से छोटा सा केंद्र बना लीजिए, और इस केंद्र से आप एक अक्ष को किसी भी डायरेक्शन से होता हुआ पास कर दीजिए, इस तरह से, ठीक। ये जो अक्ष आपने निकाला, इस अक्ष को हम बोलेंगे नोड, और ये जो उभरा हुआ भाग आप देख पा रहे हो, इस उभरे हुए भाग को हम बोलेंगे बच्चों लोब्स, ठीक है बच्चों। जैसा कि आपको याद होगा, और मैंने आपको बताया था कि जो ऑर्बिटल्स होते हैं, तो ऑर्बिटल्स में क्या पाए जाते हैं बच्चों, ऑर्बिटल्स में पाए जाते हैं इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और अगर आपको याद होगा तो मैंने बताया था कि एस ऑर्बिटल में अधिकतम दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, हम उसके लिए एक कक्षक बनाते हैं, और उस एक कक्षक में दो इलेक्ट्रॉनों को इस तरह से लिखकर हम रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो बच्चों ये एस ऑर्बिटल है, इसकी संरचना आपके सामने है, ये गोलाकार सममिति होती है इसकी, आपको याद रखना है, ये गोलाकार होता है इस तरह से, ठीक, इस तरह से ये गोलाकार सममिति का एस ऑर्बिटल होता है। केंद्र से निकलने वाला जो अक्ष है उसको हमने बोला है नोड, ये जो उभरा हुआ भाग आप देख पा रहे हो उसको हम कहते हैं लोब्स बच्चों। जैसा कि मैंने आपके सामने डिस्कस किया कि ऑर्बिटल की संरचना के अनुसार प्रत्येक ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, और एस ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन है, तो प्रश्न उठता है कि इलेक्ट्रॉन कहां पर होंगे बच्चों। आप याद रखिए कि ये जो लोब्स वाला एरिया है ना, ये वाला, इस लोब्स वाले एरिया में हमारे इलेक्ट्रॉन विद्यमान होते हैं, यहां पर होते हैं इलेक्ट्रॉन। नोड में इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता शून्य होती है, प्रायिकता का मतलब प्रोबेबिलिटी है ना, संभावना, तो वो शून्य होती, कभी भी ऑर्बिटल के केंद्र में इलेक्ट्रॉन जो है वो प्रेजेंट नहीं होते, ये आपको बहुत अच्छे से समझना है बच्चों। पी ऑर्बिटल भी हमारे पास है, संक्षिप्त में जल्दी से पी ऑर्बिटल को भी समझ लेंगे। पी ऑर्बिटल पी ऑर्बिटल बच्चों, पी ऑर्बिटल की संरचना डबल सॉरी डंबलाकार होती है, ठीक है। तो बच्चों याद रखेंगे पी ऑर्बिटल की संरचना कैसी होती है, डंबलाकार होती है, और हमारे पास इसकी अधिकतम तीन संरचनाएं प्राप्त हैं बच्चों, ठीक है, देखेंगे
पी ऑर्बिटल के लिए पी ऑर्बिटल में टोटल 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तीन कक्षक हम ड्रॉ करते हैं बच्चों इस तरह से, प्रत्येक कक्षक में पहले एक एक इलेक्ट्रॉन हुंड के नियम से भर लेते हैं, फिर इनको युग्मित इलेक्ट्रॉन रखे जाएंगे। पहले वाला जो ऑर्बिटल है बच्चों उसको बोलते हैं पी एक्स, दूसरे वाले को बोलते हैं पी वाई और तीसरे वाले को बोलते हैं पी जेड। ठीक, इस तरह से बच्चों इनकी आकृति डंबलाकार है, तो जो पी एक्स ऑर्बिटल है वो कुछ इस तरह से दिखाई देंगे आपको, इस तरह की उनकी संरचना होती है। जो पी वाई होते हैं बच्चों ये ऊर्ध्वाधर खड़े हुए होते हैं, इस तरह से उनकी संरचना प्रतीत होती है। बच्चों जो डी ऑर्बिटल हैं वो पृथ्वी के धरातल पर 45 डिग्री पर कोण बनाते हुए खड़े होते हैं, इस तरह से। अगर आप इनको संयुक्त करते हैं बच्चों, तो संयुक्त होने के बाद इनकी जो संरचना है वो एक घन की आकृति में प्रतीत होगी, और वो कुछ इस तरह की एक आकृति निर्मित कर लेंगे। और बहुत महत्वपूर्ण चीज है, इसको समझना और ध्यान दीजिए, इस तरह से आप एक जो घन है वो बनाएंगे। ठीक है, और फिर समझिए ये वाला हिस्सा एक ऑर्बिटल का होगा, इससे निकल कर आएगा ये एक्स हो जाएगा, एक यहाँ पे निकल कर आएगा से जुड़ेगा एक वाई हो जाएगा, एक यहाँ से निकल कर आएगा एक यहाँ चला जाएगा ये जेड हो जाएगा। जब बच्चे इन तीनों को आप मिक्स कर देंगे तो इस तरह की एक संरचना दिखाई देगी जो कि पी ऑर्बिटल की संरचना होगी। ठीक बच्चों, डी ऑर्बिटल भी हमारे पास संरचना के तौर पर मौजूद है, तो जल्दी से डी ऑर्बिटल की संरचना पर भी हम विचार करें। पी ऑर्बिटल बच्चों, डी ऑर्बिटल की संरचना होती है डबल डंबलाकार, मतलब इसमें एक नहीं बल्कि दो डंबल होते हैं। और बच्चों इसकी अधिकतम संरचनाएं कितनी हमारे पास, 5 है। बच्चों डी ऑर्बिटल में 10 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, इसके लिए 5 कक्षक होते हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं मैं इनको ड्रॉ कर रहा हूं आपके सामने। ठीक है, इस तरह से इसके पास 5 कक्षक होंगे। इन 10 इलेक्ट्रॉन को रखने के लिए हुंड के नियम से पहले हम प्रत्येक में एक एक इलेक्ट्रॉन की फिलिंग कर देंगे, उसके बाद क्या हो जाएगा बेटा, इलेक्ट्रॉन युग्मित हो जाएंगे। ठीक है, इस तरह से जो फर्स्ट वाला है बच्चों हम इसको बोलते हैं डी एक्स वाई, दूसरे को बोलते हैं डी वाई जेड, तीसरे को बोलते हैं डी जेड एक्स, नेक्स्ट वाले को बोलते हैं बेटा डी एक्स टू डैश वाई टू, और लास्ट वाले को बोलते हैं डी जेड टू। तो बच्चों ये 5 ऑर्बिटल्स होते हैं। ठीक है, डी के 5 ऑर्बिटल्स में इस तरह से 2 अक्ष होते हैं, 2 अक्ष के बीच में इस तरह से ऑर्बिटल्स प्रेजेंट होते हैं बच्चों। ठीक, ये पहला वाला कहलाता है डी एक्स वाई, इसी तरह से दूसरा हम ड्रॉ करेंगे बच्चों। इनमें बहुत ज्यादा डिफरेंस दिखाई नहीं देता है क्योंकि ये एक्स वाई है, इसलिए ये डी एक्स वाई है, यहाँ पर केवल अक्ष का अंतर आ जाएगा तो डी वाई जेड हो जाएगा। फिर तीसरे वाले में भी कोई विशेष डिफरेंस आपको दिखाई नहीं देगा, केवल अक्ष का अंतर है। ठीक, इसको हम बोल देंगे ये डी जेड एक्स हो जाएगा। तो अगर मान लीजिए इसको जेड इसको एक्स बोल रहे हैं तो ये वाई और जेड हो जाता है, तो इस तरह से 3 बन जाते हैं। अंत के 2 बच्चों, जैसे कि एक चौथे नंबर पर जो है वो कुछ इस तरह से होता है, जो लोब्स हैं वो अक्षों पर आ जाते हैं। ठीक है, इसको हम बोलते हैं डी एक्स टू और वाई टू। बच्चों जो अंतिम वाला है वो 45 डिग्री पर होता है, इस तरह से इसके 3 अक्ष होते हैं, लेकिन जो ऑर्बिटल है वो केवल जेड अक्ष में बनेगा, और जो एस वाला है वो उसको इस तरह से लपेट कर रखे हुए होता है, ये कहलाता है डी जेड टू। बच्चों ये जो ऑर्बिटल्स हैं क्योंकि इन्हीं में इलेक्ट्रॉन विचरण करते हैं और इलेक्ट्रॉन रहते हैं। इन सारी संरचनाओं को एक बार आप देखिएगा बुक में, और इनके संदर्भ में छोटे छोटे से डेफिनेशन है उनको रीड करिएगा, आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, होप सो आपको समझ में आ गया होगा।